कहानी की शुरुआत होती है एक वर्टिकल जेल से, जहां गोरेंग की अभी भी आंख खुली है। वो 48 नंबर सेल में है और यहां उसका साथी है ट्रिमगासी। तो इस जेल के अंदर न जाने कितने फ्लोर है। सबसे ऊपर वाले सेल का नंबर है 1 और जैसे जैसे नीचे जाते वैसे वैसे नंबर बढ़ते जाते। यहाँ दिन में सिर्फ एक बार खाना आता, वो भी ऊपर से नीचे की तरफ। खाने के लिए कैदियों को 2 मिनट का समय मिलता है और फिर बचा हुआ खाना नीचे पहुंच जाता। जब गोरेंग के सामने पहली बार प्लेटफॉर्म आया तो उसने खाने से मना कर दिया, ये कहकर कि उसका पेट भरा है। हालांकि ट्रिमगासी ऐसे खा रहा था जैसे वो फूड ब्लॉगर हो। फिर उसने प्लेटफॉर्म के नीचे जाने से पहले उस पर थूक दिया, ये कहते हुए कि ऊपर वालों ने भी ऐसा ही किया होगा। दोस्तों, इस मूवी से हम इतना सीखने वाले हैं जितना शायद हमने स्कूल में भी नहीं सीखा होगा। बस वीडियो को लाइक करके एंड तक बने रहना। इसी के साथ द गुड सिनेमा पेश करते हैं द प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म के नीचे जाने से पहले गोरेंग ने एक एप्पल उठा लिया। थोड़ी देर बाद सेल का टेम्परेचर तेजी से बढ़ने लगा, जिस पे ट्रिमगासी ने बताया कि हम खाने की चीज स्टोर नहीं कर सकते। तभी गोरेंग ने वो एप्पल प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया। उसी वक्त गोरेंग को उस इंटरव्यू की याद आई जो उसने यहाँ आने से पहले दिया था। उसने एक पेपर भी साइन किया था जिसमें ये मेंशन था कि वो तय हुए वक्त से पहले बाहर नहीं आ सकता। इसका मतलब गोरेंग अपनी मर्जी से इस जेल में आया है। लेकिन क्यों? वो इसलिए क्योंकि उसे बिना पढ़े डिप्लोमा चाहिए जो उसे यहाँ 6 महीने रहने के बाद मिल जाएगा। सभी प्रिजनर्स को अपने साथ कोई एक चीज लाने की परमिशन होती है। गोरेंग अपने साथ एक नॉवल लाया है। फिर जब उसने ट्रिमगासी से उसकी स्टोरी पूछी कि वो यहाँ कैसे आया, तो ट्रिमगासी ने बताया कि ये सब एक ऐड से शुरू हुआ, एक चाकू का ऐड। ट्रिमगासी को वो ऐड बहुत पसंद आया तो उसने वो चाकू ले लिया। लेकिन फिर एक और ऐड आ गया उससे भी अच्छे चाकू का। इस बात पर ट्रिमगासी को लगा कि उसके साथ मोए मोए हो गया। गुस्से में उसने टीवी उठा के खिड़की से बाहर फेंक दिया और ठीक उसी वक्त उसके घर के सामने से एक लड़का जा रहा था। टीवी उसके ऊपर जा गिरा और ऑन द स्पॉट ही उसकी मौत हो गई। तो ट्रिमगासी को 2 ऑप्शन दिए गए, या तो वो पागलखाने में रहे क्योंकि उसके एक्शन से तो वो पागल ही लग रहा था, या फिर यहाँ आ जाए एक वर्टिकल जेल में जहाँ 6 महीने की सजा के बाद वह आज़ाद हो जाएगा। ट्रिमगासी ने बताया कि वो पिछले महीने 132वें सेल में था। वहाँ खाने के नाम पे झूठे बर्तन पहुँचते थे बस। फिर भी उसकी किस्मत अच्छी थी जिस करके वह सर्वाइव कर गया। लेकिन जब महीना खत्म होता है तो जेल के दोनों कैदी को एक साथ एक ही सेल में शिफ्ट किया जाता है। तो फिर ट्रिमगासी का पिछला सेलमेट कहाँ गया? गोरेंग ने सोचा कि ट्रिमगासी ने जरूर उसे मार के खा लिया होगा। फिर गोरेंग ने नीचे वालों से बात करने की कोशिश की और उनसे कहा कि अगर सब लोग उतना ही खाए जितने की उन्हें ज़रूरत है तो कोई भी भूख से नहीं मरेगा। लेकिन नीचे वालों पर उसकी बात का कोई असर नहीं हुआ। तभी ट्रिमगासी ने उन प्यासों को पानी पिला दिया और कहा कि ये इस लायक ही है। फिर ट्रिमगासी ने चाकू निकाला, ये वही टीवी एड वाला चाकू था। ट्रिमगासी यहाँ अपने साथ चाकू लाया था। अब गोरेंग को यकीन हो गया कि ट्रिमगासी ने ज़रूर पिछले सेलमेट को मार दिया होगा। ट्रिमगासी ने उसे बताया कि नीचे के लेवल इतने बुरे नहीं हैं, बशर्ते तुम्हें 2 महीने लगातार नीचे वाले लेवल ना मिल जाए। पिछली बार ट्रिमगासी 132वें लेवल पर था तो उसके हिसाब से नीचे और भी लेवल है, क्योंकि वो 132वें लेवल से नीचे भी कई सारे फ्लोर्स देख पा रहा था। तभी ऊपर से एक डेड बॉडी गिरी जिसे देखकर गोरेंग घबरा गया। इस पे ट्रिमगासी ने बताया कि ये आए दिन ऐसा देखने को मिलता रहता है। फिर उसने बताया कि महीने के आखिर में दोनों सेलमेट्स को एक अलग सेल में पहुंचा दिया जाता है। डेड बॉडी की तरफ इशारा करते हुए ट्रिमगासी ने कहा, शायद इसकी सेलमेट मिहिरू होगी। फिर एक दिन मिहिरू प्लेटफॉर्म पर बैठ के नीचे आती है। मिहिरू ऐसे ही सारे फ्लोर्स पर घूमती थी ताकि वो अपनी बेटी को ढूंढ सके। लेकिन पिछले 10 महीने से उसे उसकी बेटी नहीं मिली। बेटी को पाने की चाह में मिहिरू हर बार अपने सेलमेट को मार डालती, सिर्फ इसलिए क्योंकि ऐसा करने से इस बात की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती कि अगली बार उसे सेलमेट के तौर पर उसकी बेटी मिलेगी। फिर प्लेटफॉर्म के नीचे जाते ही नीचे वालों ने मिहिरू का फायदा उठाने की कोशिश की। गोरेंग ने चिल्ला चिल्ला के उन्हें रुकने के लिए कहा, लेकिन मिहिरू को गोरेंग की जरूरत नहीं पड़ी, उसने तो खुद ही उन दोनों को मार डाला और फिर प्लेटफॉर्म पे बैठ के नीचे जाने लगी। अब महीने का एंड आ गया और फिर जेल वालों ने एक रात सेल में गैस छोड़कर इन्हें बेहोश कर दिया गया और फिर जेल वालों ने इनके सेल बदल दिए। गोरेंग की जैसी आंख खुली उसने देखा कि वो बेड से बंधा हुआ है। वो इस बार 171 नंबर सेल में थे, जहां खाना तो क्या
खाली बर्तन भी आ जाए तो वो भी बड़ी बात है। ट्रिमगासी उससे पहले उठ गया था, इसलिए उसने गोरेंग को बांध दिया, क्योंकि गोरेंग उससे जवान और मजबूत है। वो कभी भी ट्रिमगासी पर हमला कर सकता था, इसलिए ट्रिमगासी ने उसे कस के बांध दिया। लेकिन बुड्ढा कितना ही हरामी क्यों ना हो, उसने गोरेंग को 8 दिन तक नहीं मारा। सोचो गोरेंग कैसे 8 दिन तक एक ही पोजीशन में पड़ा रहा। उसका दिमाग चलना बंद हो गया था, उसे हेलोसिनेशंस भी होने लगे थे। 8 दिन बाद भूख से ट्रिमगासी की हालत खराब होने लगी और उसने फैसला किया कि वो अब गोरेंग को खाएगा। लेकिन बुड्ढा कितना ही हरामी क्यों ना हो, अब भी वो यही सोच रहा था कि गोरेंग को कैसे खाया जाए जो ये जिंदा भी रहे। तो बुड्ढे को एक आइडिया आया, उसने गोरेंग की थाई से थोड़ा सा मांस काटा, लेकिन उसके खाने से पहले ही वहां मिहिरू आ गई। और मिहिरू को याद था कि कैसे गोरेंग उस दिन उसे बचाने के लिए चिल्ला रहा था, इसलिए मिहिरू ने गोरेंग को बचाने के लिए ट्रिमगासी पे हमला कर दिया और फिर उसने गोरेंग की रस्सियां काट दी। फिर गोरेंग ने उठते ही ट्रिमगासी को जान से मार दिया और वो ऐसा करते हुए बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि मिहिरू ट्रिमगासी का मांस खा रही है, और फिर उसने गोरेंग को भी थोड़ा सा मांस दिया। पहले तो गोरेंग ने मना किया, लेकिन पेट इंसान से क्या नहीं करा देता। फिर मिहिरू वहां से चली गई। अब गोरेंग का दिमाग ठिकाने पर नहीं था, उसे हेलोसिनेशंस होने लगे। कई बार तो उसे ट्रिमगासी दिखने लगता, वो नहीं जानता कि वो जिंदा भी है या मर गया, और क्या ये सब असली है या सिर्फ उसकी कल्पना। इसी असमंजस में 1 महीना बीत गया और अब गोरेंग की आंख खुली और उसने देखा कि एक कुत्ता उसका मुंह चाट रहा है। इस बार वो 33 नंबर सेल में था और उसकी सेलमेट थी इमोगारी। वो इमोगारी को देख के हैरान रह गया, क्योंकि इमोगारी तो इस जेल के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काम करती थी। इवन उसी ने गोरेंग का इंटरव्यू लिया था। इमोगारी अपने साथ एक पिलिया लाई थी, खुद तो भूखी मरेगी और इस पिलिया के भी कुत्ते फेल करवाएगी। इमोगारी भी गोरेंग की तरह अपनी मर्जी से आई थी, पर उसे नहीं पता था कि यहाँ इतना बुरा हाल है। हालांकि सेल नंबर 33 पर उन्हें इतनी दिक्कत नहीं होगी। गोरेंग यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भला बुरा बोलने लगा। इस पे इमोगारी ने कहा कि गलती एडमिनिस्ट्रेशन की नहीं है, वे लोग तो उतना ही खाना भेजते हैं जितने लोग हैं। फिर भी खाना नीचे तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि ऊपर के लोग लालची है। और देखा जाए तो ऊपर से नीचे सभी लोग लालची है, क्योंकि नीचे वाले तो ऊपर आते हैं और ऊपर वाले नीचे जाते हैं, फिर भी यहाँ कोई बदलाव नहीं। इस पे गोरेंग ने कहा कि एक बच्चे की मौत ही इन सब की आंखें खोल सकती है। हालांकि इमोगारी के हिसाब से यहाँ 16 साल से कम के बच्चे अलाउड नहीं थे। फिर इमोगारी ने प्लेटफॉर्म के आने पर 2 प्लेट्स तैयार की और नीचे वालों को भी कहा कि ये मैसेज आगे पहुंचाओ। अगर ये सब उतना ही खाएंगे जितने की इन्हें जरूरत है, तो कोई भी भूख से नहीं मरेगा। लेकिन नीचे वालों ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया, जैसे आप वीडियो के नीचे दिया गया लाइक बटन और सब्सक्राइब बटन इग्नोर कर देते हो। अब तो सुधर जाओ और बिना कहे लाइक और सब्सक्राइब दबाओ। अब ऐसे ही 2 हफ्ते बीत गए, जिसके चलते गोरेंग को गुस्सा आने लगा। उसने गुस्से में कहा कि अगर उन्होंने इमोगारी की बात नहीं मानी तो वो उन्हें खाने में गू खिलाएगा। गू खाने के डर से वे लोग गोरेंग की बात मान गए। फिर एक रोज यहाँ जख्मी मिहारू आई। गोरेंग और इमोगारी ने उसे प्लेटफॉर्म से उतारा और उसके जख्मों को ढकने की कोशिश करने लगे। तभी इमोगारी की पिलिया ने प्लेटफॉर्म पर से कुछ खाने की चीज उठा ली, जिसके चलते सेल का टेम्परेचर तेजी से गिरने लगा। फिर गोरेंग ने पिलिया को पकड़ा और सही वक्त पर खाने की वो चीज नीचे गिर दी। अगर उसके गिरने से पहले प्लेटफॉर्म वापिस ऊपर चला जाता तो वे लोग ठंड से मारे जाते। फिर अगले दिन जब गोरेंग की आंख खुली तो उसने देखा कि मिहारू और इमोगारी लड़ाई कर रहे हैं। गोरेंग इस मलयुद्ध का कारण जानने पहुंचा तो उसे पता चला कि मिहारू ने इमोगारी की पिलिया मार दी। मिहारू के जाने के बाद गोरेंग ने बताया कि वो अपनी बेटी को ढूंढ रही है। इस पे इमोगारी ने कहा कि वो यहाँ अकेली आई थी, वो भी 10 महीने पहले। बाय प्रोफेशन वो एक एक्ट्रेस है और उसकी कोई बेटी नहीं है। ये सुन के गोरेंग हक्का बक्का रह गया। फिर इमोगारी ने बताया कि वो इतने टाइम से लोगों को इस नर्क में भेजती रही, यहाँ की हकीकत जाने बगैर। मगर जब उसे पता चला कि उसे कैंसर है और उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा, तो उसने अपनी मर्जी से आने का फैसला किया। अब सेल नंबर 33 पे आज इनका आखिरी दिन था, इसलिए गोरेंग ने इमोगारी को कुछ खाने के लिए कहा, लेकिन डिप्रेशन के चलते इमोगारी हिल भी नहीं पा रही थी। इसके बाद जब गोरेंग की आंख खुली तो उसने देखा कि वे सेल नंबर 202 में है। इमोगारी को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और उसने बेडशीट से लटक के अपनी जान दे दी। फिर गोरेंग को ट्रिमगासी दिखने लगा, जो लगातार उसे इमोगारी को खाने के लिए कह रहा था। गोरेंग ने खुद पर बहुत कंट्रोल किया, यहाँ तक कि उसने किताब के पन्ने भी चबा लिए।
लेकिन ऐसा करने से गोरेंग की भूख नहीं मिटी। फिर मजबूरी में उसे इमोगारी की बॉडी को खाना ही पड़ा। ट्रिमगासी उसे समझा रहा था कि बॉडी को कहां से और कैसे काटना है। अब गोरेंग की आंख 6 नंबर सेल में खुली, जहां मिहारू चाकू लेके उसे मारने आ रही थी। शुक्र है सिर्फ एक सपना था। हालांकि वो है सेल नंबर 6 में ही, और यहां उसे भारत मिला जो कि अपने साथ रस्सी लाया था। वो ऊपर जाना चाहता था, इसलिए लगातार ऊपर वालों से बात करता रहा। फिर काफी देर इग्नोर करने के बाद ऊपर वाले उसकी बात मान गए और उसने ऊपर रस्सी फेंकी। भारत ऊपर चढ़ने लगा, लेकिन उसके ऊपर पहुंचने से पहले ही उसके साथ मोय मोय हो गया। वो तो गिरता भी, लेकिन गोरेंग ने सही वक्त पर आकर उसे बचा लिया। अब भारत की रस्सी चुर गई और वो बेचारा डिप्रेस हो गया। इसी बीच गोरेंग को फिर से हेलोसिनेशंस होने लगे, जिसमें ट्रिमगासी उसे कह रहा था कि अब सिर्फ 1 महीना और बचा है। साथ ही उसे इमोगारी भी दिख रही थी, जो उससे कह रही थी कि कोई भी बदलाव अचानक से नहीं होता। ये बात गोरेंग के दिमाग में बैठ गई। फिर उसने एक प्लान बनाया कि वे लोग प्लेटफॉर्म के साथ नीचे जाएंगे और सबको उतना ही खाना देंगे जितने की उन्हें ज़रूरत है, ताकि नीचे तक खाना पहुंच सके। पिछली बार गोरेंग लेवल 202 पे था, तो उसने अंदाज़ा लगाया कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 250 लेवल होंगी। तो अगर शुरू के 50 को खाना ना दिया जाए, क्योंकि उन्होंने कल भी खाया होगा, तो नीचे के 200 फ्लोर्स तक खाना पहुँच सकता है। उन्हें नीचे जाने के लिए हथियार भी चाहिए थे, तो उन दोनों ने बेड के नीचे का हिस्सा निकाल लिया। शुरू में तो लातों के भूत बातों से नहीं माने, कुछ लोग तो उनकी बात मान गए और कुछ को ज़बरदस्ती मनवाना पड़ा। फिर उन्हें ब्रम बैग मिला, जो कि एक बुद्धिमान व्यक्ति था और भारत उनकी बहुत इज्जत करता था। ब्रम बैग उनकी इस मुहिम से बहुत खुश हुआ, मगर इसका फ़ायदा तभी होगा जब एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुँचे। वैसे तो एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ये खाने की सबसे बेहतरीन डिश पोनी कार्डो को नीचे के लेवल तक ले गए, तो ये अपने आप में इनकी जीत होगी। तो अब इनका मिशन था पोनी कार्डो को बचाना और बॉटम तक लेके जाना। 50 लेवल के बाद इन्होंने खाना बांटना शुरू किया, जिससे लोग बेहद खुश हुए। लोगों को खाने की उम्मीद भी नहीं थी, और अचानक खाना आता देखकर वे लोग बहुत खुश हुए। एक फ्लोर पर इन्होंने एक बुढ़े आदमी को सूप पिलाया। वो बुढ़ा आदमी एक पागल लड़के के साथ फंसा हुआ था। उस लड़के ने कहा कि इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं फिर भी इस मोटे को मार के खाने वाला हूँ। अगले लेवल पर इन्हें एक डेड बॉडी मिली। गोरेंग को लगा इस डेड बॉडी की सेलमेट ज़रूर मिहारू होगी। फिर वे पोनी कार्डो को बचाते बचाते बहुत नीचे पहुँच गए। एक लेवल पर इन्हें दो लोग दिखे जो मिहारू के साथ गलत काम कर रहे थे। ये दोनों मिहारू को बचाने के लिए उन पर टूट पड़े। दूसरे बंदों के पास तलवार थी, और तलवार से लड़ना आसान नहीं था। इस लड़ाई में ये दोनों बुरी तरह घायल हो गए, लेकिन फिर भी ये हथियारबंद बदमाशों को मारने में कामयाब रहे। हालांकि ये मिहारू को नहीं बचा पाए। अब जख्मी हालत में ये दोनों आगे बढ़े। गोरेंग ने तो सोचा था कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 250 लेवल होंगे, लेकिन यहाँ तो 250 के आगे भी कई सारे लेवल थे, जहाँ इन्हें लाशें मिली। कुछ लोगों ने खुद को मार लिया था, और कुछ ने अपने साथियों को। भूख इंसान से कुछ भी करवा सकती है। आखिर में प्लेटफॉर्म 333वें लेवल पर जाके रुका, जहाँ इन्हें माली नाम की बच्ची मिली, वही मिसिंग चाइल्ड जिसे मिहारू ढूंढ रही थी। अब प्लेटफॉर्म सबसे नीचे जाने लगा, तो गोरेंग ने भारत से कहा कि पोनी कार्डो को नीचे फेंक दो, लेकिन भारत ने पोनी कार्डो यहीं रख लिया। फिर भी रूम का टेम्परेचर नहीं बदला। इस चीज़ को नोट कर लेना दोस्तों, अभी डिस्कस करेंगे। तो पोनी कार्डो इनके पास था, और इन्होंने हिचकिचाते हुए वो पोनी कार्डो लड़की को दे दिया। अब गोरेंग को फिर से ट्रिमगासी, इमोगारी और मिहारू भी दिखने लगी। सभी उससे यही कह रहे थे कि बच्ची मैसेज है, ना कि पोनी कार्डो। मतलब कि अपनी बात एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने के लिए और उन्हें गलत साबित करने के लिए बच्ची को ऊपर भेजना होगा। भारत भी ट्रिमगासी और बाकी सबकी बात से सहमत था, और फिर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने के चलते बाहर रात की तो बारात निकल गई। फिर गोरेंग बच्ची को लेके जेल के सबसे नीचे वाले हिस्से में आ गया, जहाँ पर सिर्फ अंधेरा था। ट्रिमगासी ने उसे प्लेटफॉर्म से उतरने के लिए कहा, क्योंकि मैसेज बच्ची थी, ना कि वो। फिर गोरेंग ट्रिमगासी के साथ बच्ची को ऊपर जाते हुए देखता है, और इसी मोमेंट पर ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। अब जानता हूँ मैं दोस्तों, आपके मन में बहुत से सवाल होंगे। सबसे पहला सवाल तो ये कि आखिर में ये हुआ क्या। तो सबसे पहले एंडिंग को समझते हैं, फिर मूवी के मीनिंग को डिस्कस करेंगे। देखो, पहली थ्योरी ये है कि भारत ऊपर फाइट करते हुए मर गया था, और गोरेंग अकेला ही नीचे आता है। इस बात को हम बकायदा प्रूफ कर सकते हैं।
क्योंकि गोरेंग को जब हेलुसिनेशंस आ रहे थे तो भारत भी गोरेंग के हेलुसिनेशंस की बात से एग्री कर रहा था, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर ट्रिमगासी गोरेंग को दिख रहा है तो वो भारत को कैसे दिख सकता है? तो मोस्ट प्रोबेबली भारत भी उसकी हेलुसिनेशन था। अब इससे कहानी पे क्या फर्क पड़ा? इससे कहानी पे ये फर्क पड़ा कि माली नाम की जो लड़की गोरेंग को सबसे नीचे मिली वो असल में थी नहीं, क्योंकि इमोगारी ने बताया था कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे यहाँ नहीं आ सकते। दूसरी बात ये कि सबसे नीचे वाले लेवल पर होने के बावजूद भी बच्ची काफ़ी हष्टपुष्ट लग रही थी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो बच्ची भी गोरेंग की हेलुसिनेशंस का एक हिस्सा थी, और मोस्ट प्रोबेबली जो बच्ची ऊपर गई है वो बच्ची नहीं बल्कि पोनिकार्डो था। गोरेंग ने पोनिकार्डो को ऊपर भेज दिया, पर उसे लगा कि उसने बच्ची को ऊपर भेजा है। तो वैसे देखा जाए तो उसका मिशन सक्सेसफुल रहा, अगर पोनिकार्डो के वापस पहुंचने से एडमिनिस्ट्रेशन पर कुछ फर्क पड़ेगा तो। अब मूवी के मीनिंग को समझते हैं। दोस्तों, जैसे कि मूवी में दिखाया गया है कि ऊपर वाले लोग खुद तो हद से ज़्यादा भर लेते हैं, भले ही उन्हें उतने की ज़रूरत हो या ना, और नीचे वाले लोग ऊपर वाले लोगों की वजह से भूखे रह जाते हैं। तो क्या ऊपर वाले लोग विलन है? नहीं, क्योंकि जब सेल चेंज होते थे तो नीचे वाले ऊपर पहुंच जाते और कभी कभी ऊपर वाले नीचे, फिर भी वही होता जो होता आया था। पहले ही सीन में ट्रिमगासी ने खाने में थूक के कहा था कि ऊपर वाले भी ऐसा ही करते, तो हमारी सोसाइटी में भी ऐसे ही होता है। ऊपर वाले लोग नीचे वालों का शोषण करते हैं और नीचे वाले अपने नीचे वालों का। क्या कास्ट सिस्टम में भी ऐसा ही नहीं होता? हर ऊंची जाति के ऊपर एक ऊंची जाति है और हर नीची जाति के नीचे एक निचली जाति। सब छोटे हैं इसलिए सेम टाइम पर सब दूसरों को छोटा बनाकर खुद बड़ा बनना चाहते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जितना ज़रूरी है उतना ही खतरनाक भी। उड़ान फिल्म का एक डायलॉग था जिसमें रोहन के पापा भैरव सिंह, जो कि साक्षात हिटलर का रूप थे, वे अपने छोटे भाई से कहते हैं कि हम तो अपने बच्चों के साथ कुछ भी नहीं कर रहे जो हमारे बाबूजी ने हमारे साथ किया था। यानी कि टॉक्सिसिटी और नफरत को सब आगे तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन उन्हें लग रहा है कि ये उतना नहीं है जितना वे झेल चुके हैं या उनके साथ हो चुका है। और एक मजे की बात और कि सबको लगता है कि हमने सबसे ज्यादा दुख झेला है। दोस्तों, अगर आपको कहीं दबाया जाए, छोटा महसूस करवाया जाए, तो हमेशा याद रखना कि वही सब अपने से कमजोर इंसान पर दोहराने से आप बड़े नहीं हो जाओगे बल्कि और छोटे हो जाओगे, क्योंकि जो हकीकत में बड़ा है उसे दूसरों को छोटा साबित करके बड़ा बनने की जरूरत ही नहीं। इसी थॉट के साथ अब चलते हैं शाउटआउट्स की तरफ। एमसी मुगेम्बो वेस्ट बंगाल से प्यार भेज रहे हैं, रसगुल्ला भेज दो भाई। विक्टर को एक्सप्लेनेशन काफ़ी परफेक्ट लगी। सुभाष भी इस बात से एग्री करते हैं कि कोरियन एक्टर्स की शक्ल एक जैसी होती है। शिवम भाई को मजा आ गया, टीएम सरकार को अच्छे लाइफ लेसन मिले। यश जहां को पूरे इंस्ट्रक्शंस नहीं मिले जिसके चलते पुलिस इनके पीछे पड़ गई। आहद ने सुना है कि टीजीसी से शाउट आउट मिलना नामुमकिन है, बिल्कुल सही सुना है भाई। प्रशंता को भी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। विजय को डर लग गया ये मूवी रात को देख के। और ये रहे बाकी के कमेंट्स। एक मिनट, मैं आपकी वीडियो बाथरूम में देख रहा था भाई, या तो आपका पेट खराब है या फिर दिमाग। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।